दिनांक 5/3/2018 को थाना भीमगंज में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि प्रार्थी की नाबालिग पुत्री को पानी पताशे बेचने वाले महेंद्र जैन द्वारा कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुराचार किया गया तथा उसकी अश्लील क्लिपिंग इत्यादि खींची गई, जिस पर थाना भीमगंज द्वारा चालान पेश किया गया न्यायालय श्रीमान में तथा न्यायालय श्रीमान द्वारा आज समस्त गवाहों तथा सबूतों के आधार पर अभियुक्त महेंद्र जैन को धारा 376, धारा 377 IPC तथा 66 IT एक्ट तथा 3456 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दंडित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा ₹20,000 जुर्माने से दंडित किया गया। हाँ सर, आज विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संख्या 1 भिलवाड़ा द्वारा अपने एक निर्णय सरकार बनाम महेंद्र जैन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की सजा के बिंदु पर पालना की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि नाबालिगों के साथ होने वाले यौन अपराधों में किसी भी तरह की सजा में कोई नरमी नहीं बरतना चाहिए। माननीय न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संख्या 1 द्वारा अपने निर्णय में इस बात का हवाला देते हुए अभियुक्त महेंद्र जैन को उसके द्वारा किए गए सभी आरोपों में दोष सिद्ध मानकर उसे शेष प्राकृत जीवन में आजीवन कारावास की सजा सुनवाई, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में माननीय न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संख्या 1 द्वारा अपने निर्णय में इसका उल्लेख किया गया एवं माननीय न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अभियुक्त महेंद्र जैन को शेष प्राकृतिक जीवन में उसे आजीवन कारावास में रहने की सजा सुनाई।